फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये हमारे पास 9 वोल्ट की एक डीसी बैटरी, इसके अंदर अगर हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, और एक साथ काफ़ी सारी बैटरी सीरीज में जोड़ने के बाद उसके अंदर हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा। तो ये हमारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पर ये हमारे पास 11 9 वोल्ट की डीसी बैटरी, इसके जो वोल्ट बनते हैं वो तो 110 वोल्ट डीसी बनते हैं, जो कि अगर हम एसी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 220 वोल्ट हो जाएंगे। तो इसके अंदर हम एसी सप्लाई डाल करके देखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, और पहले हम सिंगल बैटरी को ही देख लेते हैं कि क्या होगा सिंगल बैटरी में। तो इसको हम ट्राई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बैटरी, तो इसके अंदर हम यहाँ पर कनेक्टर लगा लेते हैं, ये रहा कनेक्टर, और अगर हम इसके अंदर लगाएंगे तो क्या होगा पहले, तो यहाँ पर ये रहा हमारा स्विच का यानी 220 वोल्ट एसी सप्लाई का वायर, ये हमने ज्वाइन कर दिया इसमें, और यहाँ पर ये फेज ज्वाइन कर दिया हमने प्लस में। तो अगर अब हम यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये तार पतला है तो तार ये यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा। तो हम तार लगा रहे हैं, इसमें लगाया हमने डायरेक्ट मेन सप्लाई में हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का बीम बन जाता है। यहाँ पर एमसीबी जो है वो ट्रिप हो गई, आप ऐसा कुछ भी ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर ये एमसीबी ट्रिप हो गई है, और अगर हम इसको एक बार दोबारा से यूज़ करके देखें, मेन सप्लाई हमने कट कर दी ऑन करते, तो यहाँ पर ये काफ़ी खतरनाक हो रहा था, इसलिए यहाँ पर मैं हेलमेट लगा लेता हूँ। एमसीबी हमारी ट्रिप हो गई जैसे एमपीयर की, अब हम बड़ी एमसीबी पर इसको चला के देखते हैं जो कि 32 एमपीयर की है। देख सकते हैं क्या सीन बनना है, यहाँ पर आग लग चुकी है और इसको अब बंद करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आग लग चुकी है बैटरी की। फ्रेंड ये अगर हम सिंगल बैटरी लगाते हैं तो कुछ इस तरह का सीन होता है, अगर ये काफ़ी गर्म है तो इसको हम यहाँ से खोल करके देखते हैं अंदर क्या हुआ है। अंदर तो रात निकल रही है तो लग रहा मुझे, क्योंकि अंदर थोड़ा टेक्सचर घिर जा रहा है, वैसे नॉर्मली घुसता है नहीं। तो इसको पहले ठंडा होने देते हैं, तब तक जो है हम इसको ट्राई करते हैं। अब हम इसके अंदर 220 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे, यहाँ पर लगा देते हैं माइनस, और यहाँ पर एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना होगा कि अगर इसके अंदर आग लगती है तो यहाँ पर हमें पानी का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होगा, अगर पानी हम डालेंगे तो फिर और उल्टा हमें करंट लग सकता है। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया, लेकिन अब इसको हम यहाँ पर टेस्ट नहीं करने वाले क्योंकि यहाँ पर भी लग रही है, यहाँ पर भी लग रही है, अगर आग लगेगी तो दिक्कत होगी, तो इसको हम नीचे रख लेते हैं। तो अब हम मेन सप्लाई को ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मेन सप्लाई हमने ऑन कर दी है, आप देख सकते हैं धुआं निकलना शुरू हो गया है, और कितनी देर में क्या होता है, काफ़ी ख़तरनाक है ये भी। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से धुआं निकलना शुरू हो गया है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ट्राई ना करें। ये 9 वोल्ट की 11 बैटरी है, और इसकी जो सप्लाई है यहाँ से तार तो शॉर्ट हो गया है, आर्मिंग शॉर्ट सर्किट की प्रोसेस थी वो ख़त्म हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तार टूट गया है। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो तार थे ये तो बहुत ज़्यादा बारीक हैं, अब हम इसकी जगह पर मोटे तार लगाएंगे, यानी बैटरी को थोड़े मोटे तार से सीरीज में जॉइन करेंगे। ऑलरेडी हमने सारे कनेक्शन कर दिए, ये इसका प्लस है, इसका माइनस इस वाली बैटरी के प्लस में चला गया, माइनस इसमें प्लस में आ गया, ये माइनस इसमें प्लस में आ गया, इसी तरह से प्लस माइनस यहाँ पर ये कनेक्शन हो गए हैं, ये रहा प्लस और ये रहा माइनस। फिलहाल हम इसके अंदर एसी सप्लाई देने वाले हैं, तो प्लस माइनस से लास्ट में कोई अंतर नहीं है, कलर हमने कौन से कलर का लगाया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल हमने इसको सीरीज में लगाया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब हम इसको जो है एसी सप्लाई देते हैं, इसको हम नीचे रख लेते हैं, फेस लगा दिया है,
अब हम मेन सप्लाई का वायर लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर हेलमेट लगा लेते हैं क्योंकि काफ़ी खतरनाक इसके अंदर सप्लाई आ चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पर गर्म होकर रिएक्शन होने लगी है, धुआं निकलने लग गया है। बैटरी बाकी भी ढहने लग गई है क्योंकि काफ़ी गर्म हो गई, क्योंकि टेप था वो नीचे से छोड़ दे रहा है गर्म होने की वजह से। ये दोबारा से धुआं निकलने लग गया है, टेप काफ़ी तेज धुआं निकल रहा है। ये होता है जब हम 9 वोल्ट की बैटरी के अंदर 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं तो कुछ इस तरह का रिजल्ट सामने आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी तेज धुआं निकल रहा है, सभी बैटरी के अंदर से निकल रहा है और यह फटने वाली है शायद बैटरी। ऐसे कुछ ज़्यादा गड़बड़ होगी तो हमें यहाँ से कार निकालना पड़ेगा। तो सर्किट स्टार्टिंग नहीं टूटा है क्योंकि रिएक्शन अभी हो रहा है। ये आप कुछ इस तरह से लगती है किसी भी चीज़ के अंदर, चलो धीरे धीरे धुआं निकलता है और उसके बाद आग लग जाती है, चाहे गाड़ी की बैटरी हो, घर की बायरी वगैरह हो, धीरे धीरे धुआं निकलता है, जहाँ धुआं निकलता है धीरे धीरे वहाँ फिर आग लगी जाती है। वैसे हमारा जो ये बैटरी रखी है सारी हो गई है, बड़ी हमसे उठाते हैं। आप देखें आप रिएक्शन किस तरह का हो रहा था, इस तक जैसे हम चलिए भी चल रहा था और आप जो है किस तरह का हो गया हमारे। और यहाँ पे सर्किट टूट गया है, यहाँ हेलमेट दिखा देते हैं क्या हुआ है इसके साथ में। तो फ्रेंड ये रही बैटरी, तो फ्रेंड ये बैटरी ठंडी हो चुकी है, अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है। काफ़ी देर हो चुकी है तो ये जो चिपक गई है, ये यहाँ तो भ्रष्ट हो गई है, ये सर्किट ब्रेक हो गया। अगर हम इसको यहाँ से सर्किट को मिला देंगे तो अभी भी इसके अंदर कुछ हो सकता है, तो यहाँ से ये भ्रष्ट हो गई है। इसको फोन करके चेक करें क्या हुआ है ये, तो इसका बाद बच गया है ये। तो एक बार इसको हम हटा ही लेते हैं, ऊपर का इसका टीन का कवर है इसको कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का इसका मामला हो गया है। ये जो इसका पिन है ये हाथ में लग गया और देख सकते हैं आप कितना गाढ़ा गाढ़ा फोन निकल रहा है। फ्रेंड यहाँ पर मसला काफ़ी गड़बड़ हो गया, ये जो है इसकी पिन जो पत्ती है ये लग गई। तो इसको देखभाल कर सावधानी से हमें करना चाहिए था, और आप ऐसा बिल्कुल भी ट्राई ना करें। काफ़ी खून निकल रहा है यार, नहीं है लग जाएगी तो फिर उसका रहेगा आराम से।
Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never